है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूँ बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर। बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड की संरचना विस्तार से दीजिए तथा इनके उपयोग को भी बताइए, मतलब इसके जो यूज़ हैं वो भी हमें बताने होंगे। ठीक है बच्चों, हम इसकी संरचना के जो साथ साथ हम पढ़ेंगे, मतलब ये जो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ये किस प्रकार से कार्य भी करता है, हम ये भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है तो बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। एलईडी एक डिस्प्ले है। ठीक है बच्चों, जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो एक डिस्प्ले के भांति कार्य करता है, वर्क करता है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग एक इंडिकेटर के भांति किया जाता है। समझ रहे हैं, मतलब एलईडी एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जाते हैं। ये सर्किट एक इंडिकेटर, ठीक है, मतलब एक सूचक की भांति कार्य करते हैं। एलईडी जो है बच्चों वो एक पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करता है, उसी की डिवाइस समझ सकते हैं हम। एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस स्थिति में कार्य करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस स्थिति में एलईडी में करंट प्रवाहित होने पर ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, लाइट इमिशन करता है। ठीक है, फिर से समझ लें बच्चों, एलईडी एक ऐसी डिस्प्ले होती है, ठीक है, जो एक जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, ये सर्किट्स इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और बच्चों जो एलईडी है वो पीएन जंक्शन डायोड की एक डिवाइस होती है। ठीक है, और बच्चों ये जो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, वह फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ही करंट प्रवाहित करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, लाइट इमिशन होता है यानी प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो बच्चों एलईडी क्या है अभी हमने ये समझा। बच्चों इसका जो चित्र होता है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक पीएन, ठीक है, ये जो प्लस प्लस लगे हुए हैं और नीचे जो माइनस आयन्स हैं, ठीक है, जो प्लस आयन्स हैं ये कोटरों को शो कर रहे हैं और जो माइनस आयन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये क्षेत्र है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और बच्चों ये जो माइनस माइनस है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जिससे क्या होगा, ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और बच्चों जब पीएन जंक्शन डायोड पर जब हम कोई बैटरी लगाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग लेकर आते हैं, तो बच्चों ये लाइट इमिशन करता है यानी प्रकाश उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम एक धातु के फ्रेम में व्यवस्थित रखते हैं। ठीक है, ये बच्चों एलईडी की संरचना हो गई। अब बच्चों देखते हैं इसमें अगले क्या है, इसमें एन टाइप एपिटैक्सियल परत में पी टाइप अर्धचालक की कुछ मात्रा डिफ्यूज की जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, इसमें क्या होता है, जो एन टाइप एपिटैक्सियल होता है, ठीक है, एपिटैक्सियल जो परत होती है उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की कुछ मात्रा, ठीक है, डिफ्यूज कर दी जाती है। जब एलईडी में करंट प्रवाहित की जाती है तो तब एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जंक्शन क्रॉस करते हैं, मतलब संधि क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों आप चित्र में, ये एलईडी का चित्र है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें, जब एन टाइप एपिटैक्सियल परत में जब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की कुछ मात्रा जब इसमें रख दी जाती है, डिफ्यूज कर दी जाती है, तो बच्चों क्या होता है, जब एलईडी में हम धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित जब करते हैं, तो एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जंक्शन को तोड़कर, ठीक है, संधि को तोड़कर पी टाइप की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तथा जंक्शन के समीप पी साइड के होल से
रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। क्या होंगे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप के जो क्वार्टर्स होंगे उनके साथ रिकम्बाइंस करते हैं, ठीक है। फिर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, के रिकम्बाइनेशन से ऊर्जा, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है, ठीक है। बच्चों क्या होता है, फिर से समझ सकते हैं आप, जो एलईडी होती है उसमें जो एन टाइप एपिटैक्सियल के ऊपर जब पी टाइप की जो परत रखी जाती है, तो बच्चों क्या होता है, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मतलब जो एन टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब पी टाइप के क्वार्टर की ओर जाने लगेंगे तो उससे वो रिकम्बाइन करने लगते हैं। जब रिकम्बाइन करने लगेंगे तो बच्चों ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। बच्चों ये जो एनर्जी है वह ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है बच्चों, मतलब जो एनर्जी हम बैटरी से इसे दे रहे हैं वह एनर्जी लाइट के रूप में हमें प्राप्त होती है। एलईडी का ये प्रमुख कार्य भी होता है, ठीक है। यदि सेमीकंडक्टर्स अल्प पारदर्शी हो यानी ट्रांसल्यूसेंट हो, ठीक है, तब प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, तथा जंक्शन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, ठीक है। जो संधि होती है वह प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगती है, वर्क करने लगती है। चूंकि एलईडी में रिकम्बाइनेशन पी टाइप मटेरियल से होता है, ये बात बच्चों ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो रिकम्बाइनेशन होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ही होगा, ठीक है, पी टाइप मटेरियल से ही होगा, ठीक है। अतः पी टाइप डिवाइस की सतह का वर्क करती है। प्रकाश का अधिकतम उत्सर्जन के लिए पी टाइप मटेरियल के किनारे किसी धातु फिल्म का एक एनोड किया जाता है, ठीक है। बच्चों क्या करना होता है हमें, एलईडी में पी टाइप डिवाइस की सतह का कार्य करती है प्रकाश का अधिकतम। यदि बच्चों हमें लाइट इमिनेशन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करना है, ठीक है, मैक्सिमम, तो बच्चों क्या करना होगा, जो पी टाइप मटेरियल है उसके किनारे किसी धातु की फिल्म का एक एनोइड बना दिया जाता है, ठीक है। कोई मेटल जो होती है, धातु होती है, उसकी एक पतली सी फिल्म जो है वह उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, एनोइड की तरह चढ़ा दी जाती है। डिवाइस से कैथोड टर्मिनल प्राप्त करने के लिए एन टाइप क्षेत्र के नीचे एक गोल्ड फिल्म लगा दी जाती है, ठीक है। गोल्ड फिल्म प्रकाश के परावर्तक का कार्य भी करती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों जब एलईडी में प्रकाश उत्पन्न होगा तो वह नीचे की ओर ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, एन टाइप जो क्षेत्र होता है, एन टाइप जो फील्ड होता है, उसमें गोल्ड फिल्म लगा दी जाती है। जैसे ही गोल्ड फिल्म पर प्रकाश मतलब गिरता है तो वह उसे परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है, ठीक है। एलईडी के निर्माण के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड सेमीकंडक्टर्स प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जिससे लाल पीला तथा हरा प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हमें लाल प्रकाश प्राप्त करना है तो गैलियम लगा सकते हैं, पीला प्राप्त करना है तो आर्सेनाइड लगा सकते हैं, और हरा प्रकाश अगर उत्पन्न करना है तो हमें फास्फाइड सेमीकंडक्टर्स में लगाना होगा, ठीक है। बच्चों अगले देखते हैं, एलईडी को प्रचालित यानी ऑन और ऑफ हम कैसे प्रकार करें, तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, एलईडी को ऑन और ऑफ करने के लिए चित्र की भांति एक ट्रांजिस्टर स्विच प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर बेस धारा आईवी द्वारा सैचुरेशन में ड्राइव होता है तब कलेक्टर धारा यानी कलेक्टर जो करंट होता है का मान अत्यंत उच्च होता है, ठीक है। तब कलेक्टर धारा का मान अत्यंत उच्च होता है, इस समय एलईडी ऑन हो जाती है। तो बच्चों एलईडी में हमें ऑन और ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, एक ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता है स्विच के रूप में, ठीक है। जब हम ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में जब यूज़ करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है, आधार होता है, ठीक है, उसमें सैचुरेशन में ड्राइव होता है, ठीक है। तब कलेक्टर धारा जो होती है, कलेक्टर जो करंट होता है, उसका मान उच्च हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, इस समय एलईडी ऑन कही जाती है, ऑन मानी जाएगी,
ठीक है, तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, जब एलईडी ऑन हो जाएगी तो वह लाइट इमिशन दर्शाने लगती है। एलईडी में धारा का मान कलेक्टर प्रतिरोध आरसी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यदि मतलब यदि एलईडी में जो करंट फ्लो हो रहा है, यदि उसका मान हमें नियंत्रित करना है, ठीक है, मतलब अधिक हो तो उसे हम नियंत्रित कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कलेक्टर प्रतिरोध से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो एलईडी है उसके मुख्य यूज़ क्या है। ठीक है, इसके जो मुख्य यूज़ हैं वो निम्न है बच्चों। पहला यूज है, एलईडी का आकार बहुत छोटा होता है, अतः उन्हें अंकों यानी नुमरिक अथवा अल्फा नुमरिक डिस्प्ले के रूप में असेंबल किए जा सकते हैं। ठीक है, देखा होगा बच्चों आपने कि जो मोबाइल होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, उनकी जो डिस्प्ले होती है, ठीक है, डिस्प्ले के पीछे एलईडी लगा दी जाती है, बल्ब लगे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उनका कार्य ये होता है, जो एलईडी पर नंबर आता है, ठीक है, एलईडी पर नंबर को दर्शाने के लिए जब एलईडी जलती है तो उसके प्रकाश से हमें वह नंबर दिखाई देता है। इसलिए एलईडी का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत आकार छोटा होने के कारण हम इसे डिस्प्ले के पीछे लगा देते हैं, जिससे हमें डिस्प्ले पे लिखे हुए नंबर आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग हमारा यही है। दूसरा प्रयोग क्या है बच्चों, एलईडी के प्रचालन के लिए मतलब ऑन और ऑफ के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जो बल्ब होते हैं हमारे वैद्युत बल्ब, ठीक है, उनके लिए क्या होता है बच्चों, उन्हें संचालन के लिए बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है, वोल्टेज अधिक चाहिए, और उनकी जो शक्ति होती है वो भी बहुत अधिक होती है, 100 वाट 200 वाट। ठीक है, जिससे क्या होता है, उन्हें करंट और वोल्टेज अधिक चाहिए। लेकिन जो एलईडी होती है उनकी जो पावर होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे 7 वाट 9 वाट, ठीक है, मतलब एक बल्ब की तुलना में बहुत ही कम, जिससे क्या होता है, इन्हें कम करंट में ही ये कार्य करने लगती हैं। ठीक है, अतः प्रकाश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए इनकी दक्षता उच्च होती है। ठीक है, मतलब ये कम करंट में ही बल्ब की तुलना में बहुत अधिक प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, अधिकतम प्रकाश उत्सर्जन की अवस्था में इसमें 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा युक्ति पर 1.2 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा यूज देखते हैं बच्चों एलईडी का। एलईडी का तीसरा उपयोग है, एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश यानी जो लाइट इमिनेटिव होती है उसमें प्रवाहित धारा निर्भर करती है, अतः उत्सर्जित प्रकाश को स्मूथली नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही मेन यूज़ है, क्योंकि जब एलईडी में जब करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उससे जो लाइट इमिनेटिव होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, वह प्रकाश एक जैसा रहता है, एक जैसी तीव्रता का रहता है, स्मूथली रहता है वो। ठीक है, स्मूथली वह कार्य करता है। चौथा जो उपयोग है बच्चों इसका, विभिन्न रंगों रेड ग्रीन येलो का प्रकाश उत्सर्जन करने वाले एलईडी उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत बल्ब होता है वो केवल एक ही रंग का प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, जैसे एलो, ठीक है, लेकिन जो एलईडी होते हैं उनसे हम विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, एलो हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो एलईडी का ये भी एक मेन यूज़ है कि हम एलईडी से विभिन्न प्रकार के कलर के लाइट भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा उपयोग है बच्चों, एलईडी का जो स्विचिंग टाइम है बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब उसे हम जो स्विचिंग टाइम होता है बहुत ही कम होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, एलईडी की जो उम्र है, एलईडी की जो एज होती है वो बल्ब की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब एलईडी का जो आयु काल है वो बल्ब की तुलना में बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि इसका स्विचिंग टाइम बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगला जो छठा उपयोग है बच्चों ये है, ये शॉक तथा वाइब्रेशन प्रूफ होते हैं तथा इनके प्रचलन की ताप सीमा 0 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है बच्चों, जो एलईडी है वो मैक्सिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जो ताप है उसे उत्सर्जित कर सकती है।
ठीक है, लेकिन बल्ब जो है वो इसकी तुलना में बहुत अधिक ठीक है प्रकाश का ताप उत्सर्जित करता है। अगला यूज है बच्चों, ये हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स में भी उपयोग किए जाते हैं। बच्चों जो कैलकुलेटर्स होते हैं जिससे हम गणना करते हैं ठीक है, उसमें भी एलईडी उपयोग किए जाते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनकी जो डिस्प्ले होती है उनके पीछे एलईडी लगा दी जाती है, जिससे कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर जब कोई नंबर आता है तो वह एलईडी की सहायता से हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ी लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी, हमने इसकी संरचना और इसके यूज़ के बारे में पढ़ा। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा ठीक है, हमें अपने कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइए, और हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए।